कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ दो चटनियाँ शेयर करूँगी जो हम मोमोज के साथ खाते हैं। और एक चटनी है तिल की चटनी, जो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, और दूसरी है लाल चटनी, जो हमें हर जगह मिल जाती है। तो चलिए गाइस, हम बनाते हैं मोमोज चटनियाँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बनाएंगे तिल की चटनी। वैसे तो चटनी बनती है ये तिल वाली, लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है। हमने 6 से 7 ली है लाल मिर्च सूखी, और 1 बड़ा प्याज कट किया है, और 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 टमाटर बड़ा कट कर लिया है, और नींबू लिया हमने, और थोड़ी हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, और ये हमने मेन इंग्रेडिएंट्स तिल लिए है। तो शुरू करते हैं। पैन में चढ़ा देती हूँ गैस पे, कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। तो मैं इसमें रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो तिल का तेल भी डाल सकते हो। ऑयल हमारा गर्म हो जाता है, तो अब हम डालेंगे इसमें प्याज और तिल डाल देंगे। यह हमने लाल मिर्ची डाल दी, ये 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल दी, और ये हमने डाल दिए टमाटर। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए, तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। ये चटनी बनाने में बहुत ही इजी है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइस, मैं इसमें थोड़ा डाल दूंगी नमक। मैं इसमें थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ, आप चाहे तो हल्दी नहीं भी डालें। दो से तीन मिनट में ये और फ्राई कर लेती हूँ हल्दी डालने के बाद। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब गैस बंद कर देती हूँ और मिक्सी में ठंडा होने पर ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने चढ़ाया है गरम पानी, जो लाल चटनी बनाने के लिए मिर्ची गरम करूंगी, इसको थोड़ा गरम पानी में उबाल दूंगी। तो मैंने 8-10 लाल मिर्ची ली है। तो गाइस, मैं इसमें डाल लूंगी थोड़ा नींबू, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और थोड़ा खट्टापन आ जाता है, जो चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी मैं कर लूंगी ग्राइंड, इसे हमें ठंडा करके ही पीसना है। चटनी को आप पतली या गाढ़ी जैसी चाहो आप बना सकते हैं, और मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा कलर आया है। अभी मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए गाइस, तिल की चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है, कितना अच्छा बढ़िया कलर आया है। तो देखिए गाइस, मिर्च भी हमारी उबल चुकी है, अभी मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। तो मिर्ची हमारी ठंडी हो चुकी है, अभी मैं जार में ट्रांसफर कर लूँगी। मैं सेम जार में पीस रही हूँ, और हाँ, इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है।
तो ये 3 से 4 मैंने टमाटर कट कर लिए हैं, छोटे बड़े जो भी है आप देख लेना। इसके पास ये मैंने लहसुन डाल लिया है, 15-20 लहसुन की कलियां हैं। ये मैं एक प्याज कट कर रहा है मैंने, जो इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी और स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, लाल चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। आप इसे अपने अकॉर्डिंग गाढ़ा या पतला, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। ये देखिए, तो गाइस दोनों चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई ही है। ये पीली चटनी तिल की चटनी और ये लाल चटनी है, और ये ज़्यादा तीखी थोड़ी कम तीखी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।